ये रहा देखिए कलरफुल बिरयानी बन के रेडी हो गया है। अब चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये रहा कलरफुल बिरयानी। और अभी सबसे पहले किशन के पापा टेस्ट करके बताएंगे कि बिरयानी कैसा बना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिलीप सोनी ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और किशन परी अभी स्कूल चला गया है दोनों जन। और अभी देखिए हम दोनों घर पे हैं। हम सोच रहे हैं कि ठंडा में नहाए कि नहीं नहाए, वही सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, ठंडा यहाँ क्या है ना, जा रहा है फिर से आ रहा है। और अभी दो दिन बहुत कम था ठंडा, अभी फिर से बढ़ गया है और आज तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, कनकन ठंडा। और ऐसे भी ये तो कल तो आप लोग वीडियो में देखेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो रात में आके काफी रात में 8-9 बजे नहाए, इसीलिए इनको थोड़ा ज्यादा ठंडा लग रहा है। और अभी घर का माहौल तो सोचिए अच्छा नहीं है। अभी बात वगैरह हुआ नेहा लोग से तो वो लोग भी बहुत काफी रो रही थी। किसी से भी अभी बात कीजिएगा तो सब रोते हुए नजर आएगा, इसलिए कि भाई दुख तो है सबको। और हमको भी अभी बहुत ये लग रहा है ना कि मतलब वहाँ तो नहीं जा सके, लेकिन अपना गोतनी है भाई, दूसरे मिलना, उसको थोड़ा सा ये करना, हमको भी जरूरी है जाना। तो अभी देखते हैं, जैसे हमको टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे। मेन ये अभी काफी बिजी चल रहे हैं और हम लोग का तो सिचुएशन आप लोग देख ही रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक तो फाइनेंशियल भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसके बाद घर में भी कुछ ना कुछ हम लोग का इतना प्रॉब्लम अभी चल रहा है ना, बहुत बहुत खराब अभी सिचुएशन में हम लोग चल रहे हैं। और बहुत कोई को हम लोग ये सब बोलते हैं तो लगता है कि नहीं ये लोग खा पी रहा है, ये लोग झूठ बोलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, खाने पीने का तो आदमी हर कोई, जो रिक्शा भी चला रहा है वो भी आजकल अच्छा खाना खाता है। तो अभी चलिए फटाफट से हम लोग काम करते हैं। और आप लोग को बता दें कि अभी हमको कहीं जाना है, अकेले जाएंगे, किशन का पापा नहीं जाएंगे और बच्चा लोग भी घर पे ही रहेगा। बाकी फिर हम शाम में हो सकता है रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि जरूरी काम है और हमको जाना भी जरूरी है और इनका अपना जरूरी काम है, इसीलिए ये मेरे साथ नहीं जाएंगे। नहीं तो हम लोग आज तक कभी अलग अलग जाते नहीं है, जाते हैं तो साथ में ही आना जाना तो होता ऐसा है। रहेगा कुछ वीडियो का पार्ट मेरा रहेगा, कुछ सोने का करके डाल देंगे हम लोग, देखते हैं, कोशिश करेंगे हमसे जितना पॉसिबल हो सकता है। तो और सबसे पहली बात तो आप लोग को ये बता दे कि हम लोग के पास दो फोन नहीं है कि हम लोग अलग अलग वीडियो बना सके। हम लोग के पास मात्र एक ही फोन है जो कि इनका पर्सनल है, तो यही पकड़ते हैं, इसीलिए हम लोग घर पे रहते हैं। चाहे कहीं जाएंगे तो वीडियो बनाने का ऑप्शन नहीं होता है। तो बाकी चलिए अभी आ गया क्या क्या होता है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सोनी जल्दी पल्दी जाने के चक्कर में पूरा स्पीड में खाना बना रही है। क्या सोनी क्या बना रही है? इधर देखिए चावल बन रहा है और उधर सब्जी बना रही है, क्योंकि हम चले जाएंगे अभी तो बच्चा लोगों को खाने के लिए बनाना तो जरूरी है, क्योंकि नहीं बना के जाएंगे तो फिर किशन परी स्कूल से आएगा तो खाएगा क्या। तो सब चीज सोच समझ के फिर घर का जो लेडीज रहती है उसको निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं जेंट्स लोग तो क्या है, कहीं निकलना हुआ पैंट शर्ट पहना और निकल के चला गया, लेकिन लेडीज लोग को सब कुछ देख समझ के निकलना पड़ता है। तो अभी फटाफट से हम खाना बनाएंगे, उसके बाद अभी हम नहाएंगे। और जानते हैं अगर तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा, वो लगाना ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं भाई। किसका फोन आ गया, लग रहा है इसका घर से ही आ गया होगा। तो दोस्तों इधर सोनी का घर जाना कैंसिल हो गया और देखिए थोड़ा सा चेहरा उदास हो गया, क्या जी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको लेट हो गया जाने में काफी। इसको जल्दी बुलाया था लेकिन ठंडा का दिन है ना और बच्चा सबको स्कूल भेजते लेट हो गया ना। तो अभी हम रेडी हो गए थे, उसके बाद फिर हम फोन मतलब घर से मैं बात किए तो फिर हम ही बोले कि अभी अब नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा और हमको रिटर्न भी आना होता तो इसीलिए हम नहीं गए। और अभी कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया और हमको बहुत ठंडा लग रहा है, तो इसीलिए सोच रहे थोड़ा धूप शरीर में लगाना जरूरी है, तो इसीलिए अब जा रहे हैं धूप में। तो दोस्तों अभी मेरा घर जाना तो कैंसिल हो ही गया है, तो अभी सोच रहे हैं कि खाना बनाने का, सुबह तो नाश्ता वगैरह बनाए थे, चावल भी बनाए थे, लेकिन अभी सोच रहे हैं कुछ स्पेशल बनाए। तो अभी देखिए ज्यादा तो नहीं, अभी इतना सारा देखिए चावल ले लिए हैं और इधर पानी भी गर्म हो गया है, तो अभी चावल बनाएंगे और इसका बनाएंगे अभी भेज बिरयानी। तो अभी चलिए फटाफट से पहले चावल खोला लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए चावल बन के रेडी हो गया है, क्योंकि बिरयानी का चावल को तो आधा ही पकाना पड़ता है। तो यहाँ इस तरह से देखिए सारा चावल को हम छान ले रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे इतना सारा प्याज को भी देखिए फ्राई करके हम रख लिए हैं। और इधर देखिए
जितना भी बिरयानी में सब्जी डलेगा वो सारा सब्जी भी कट कर लिए हैं। तो अभी चलिए फटाफट से चावल छान लेते हैं, उसके बाद बिरयानी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए किशन के पापा को हम अदरक और लहसुन कूटने का जिम्मेवारी दिए हैं जो कि कूट रहे हैं, और हम भी अपना जिम्मेवारी को अच्छा से निभा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं तेल गरम हो गया है, अब इसमें डाल देंगे प्याज और साथ ही साथ डालेंगे इतना सारा गरम मसाला। तो यहाँ पे देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब डाल देते हैं जितना भी सब्जी काट के रखे हैं, गाजर, बीन, फूलगोभी, आलू। हमारे दोनों ऑडियंस जो है वो आ चुके हैं, और इधर हमारे प्यारे किशन भाई जान। ए बेटा इधर आओ ना, ये मेरा बेटा कम है दोस्त ज्यादा है ना बेटा। और इधर देखिए सब्जी वगैरह भी भून गया है, और अभी चलिए डालते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पल्दी बन जाए ना सोनी। कोशिश तो किए थे कि बच्चा लोग आने से पहले बनाए, लेकिन इसमें थोड़ा काम धाम करना पड़ता है इसीलिए लेट हो गया। तो देखिए दही डालने के साथ ही साथ इसको अच्छे से मिला लेना है। परी तुम्हारा फेवरेट भेज बिरयानी ठीक रहेगा ना। तो दोस्तों दही भी अच्छे से मिल गया है, अब यहाँ देखिए मसाला निकाले, धनिया है, ये है बिरयानी मसाला, ये है गरम मसाला। तो चलिए इसको भी डाल देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं इसको भी। तो अब इसमें डाल देते हैं हम नमक। तो दोस्तों यहाँ देखिए पानी भी डाल लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद डालेंगे चावल। जितना भी पानी डाले थे वो खौल गया है, और आप लोगों को बता दें ये हम लोग ऐसे नॉर्मल पानी नहीं डाले हैं, जो पानी से हम लोग चावल खौलाए थे वही बचा हुआ पानी को इसमें डाले हैं। अब हेल्पर रेडी है हेल्प करने के लिए, ये चावल डालेगी सोनी लो। तो अभी देखिए इस तरह से हम लोग चावल को डालेंगे, देख सकते हैं एक लेयर चावल डल चुका है। अब जितना भी फ्राई ऑनियन है वो डाल लेते हैं, इसको अच्छे से ऐसे कर लेना है, उसके बाद डालेंगे ये रहा, ये है पुदीना का पत्ता, इससे बिरयानी में टेस्ट अच्छा आता है। और हम लोग फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं कलरफुल बिरयानी, तो देखिए उसमें हम लोग डालेंगे फूड कलर। अब अभी इसमें फिर से हम लोग सेकंड लेयर देंगे, हेल्पर का काम खत्म। हेल्पर का उतना ही जरूरत था, हो गया। तो दोस्तों अब चलिए इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का बिरयानी बन के रेडी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि बिरयानी कैसा बना है। तो ये रहा देखिए कलरफुल बिरयानी बन के रेडी हो गया है, अब चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये रहा कलरफुल बिरयानी, और अभी सबसे पहले किशन के पापा टेस्ट करके बताएंगे कि बिरयानी कैसा बना है। टेस्ट करके देखते हैं। तो ये रहा बिरयानी, और अभी हम शुरू करते हैं। सब कलर में देखिए 1, 2, 3, 4 कलर बन चुका है, और इसको सबसे पहले आप लोग को टेस्ट कराते हैं। लीजिए टेस्ट करते हैं हम भी, लीजिए। नहीं आप लोग खाओ, आज तुम्हें को खिलाएंगे कैसा। एक नंबर बिरयानी बना है, खुद बना के खुद तारीफ कर रही है, हमको करने दो। सिंपल साधारण है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, बड़ा भी नहीं है। खा नहीं रही इसको, कैसा लगा बताओ। अच्छा लगा। तो दोस्तों काफी अच्छा बिरयानी बना है, एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नया व्यूअर्स जो भी है एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।